ना ही मावा, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही कोई कंडेंस मिल्क, ना भुनने की झंझट, ना चाशनी बनाने की झंझट। झटपट 5 मिनट में बनके तैयार होने वाले एक कटोरी से आधा किलो टेस्टी से लड्डू। तो बनाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी सी और बिल्कुल झटपट बनने वाली एक स्वीट डिश। और आज जो हमारी स्वीट डिश है बनने वाली है पोहे से। आपने हमेशा पोहे का नमकीन खाया होगा, लेकिन आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं एक स्वीट डिश। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे के लड्डू। तो उसके लिए हमने ले लिया है हमने एक बड़ा बाउल पोहा। ये हमने अभी थोड़ा सा मीडियम थिक पोहा लिया है इस तरह से। अगर आपके पास जो पोहा अवेलेबल हो आप वो ले सकती है। तो ले लिया हमने एक बड़ा बाउल पोहा, थोड़े से ले लिया हमने मखाने, ये ऑप्शनल है, और साथ ही हमने लिया है गुड़, आधा कटोरी गुड़ लिया है। आप इसके बदले चीनी भी ले सकती है, लेकिन गुड़ से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ले लिया है आधा बाउल गुड़, साथ ही हमने ले लिया है आधा बाउल डेसिकेटेड कोकोनट। आप इसके बदले गीला नारियल किस भी ले सकती है, और साथ ही हमने ले लिया है थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स। तो बनाते हैं पोहे के लड्डू। पोहे के टेस्टी से लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे एक पैन, और जो हमारा पोहा है इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम रखेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। हमें एकदम इसे लाल नहीं करना है, बस इससे क्रिस्पी होते तक भूनना है, क्योंकि इससे बाद में हम पीसेंगे। तो इसे चलाते हुए भून लेते हैं। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए और जो ये पोहा है हमने अच्छे से भून लिया है और ये एकदम क्रिस्पी हो गया है, और ठंडा होने के बाद ये और क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पोहे को निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए एक अलग प्लेट में। अब हमने फिर से गैस पर पैन रख दिया है और उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच घी। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे मखाने हैं, मखानों को हम इसमें भून लेंगे जिससे कि वे क्रिस्पी हो जाए। मखानों को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और ये क्रंची हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। अब हम फिर से उसी पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी, और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसको भी इसमें हल्का सा क्रंची होने तक भून लेंगे। देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से भून लिया है, अब इसे भी निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। जो ये पोहा है जिसे कि हमने भून के रखा था, ये ठंडा हो गया है। अब हमने लिया है एक मिक्सी का जार और उसमें हम डाल देंगे पोहे को और इसे पीस करके इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने पोहे को पीस करके इसका पाउडर बना लिया है। इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, अभी पोहे का जो पाउडर है इसको इसी पॉट में रहने देंगे और उसमें हम डाल देंगे गुड़ और इसे मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके इसे फिर से एक बार पीस लेंगे ताकि जो गुड़ और पोहा है अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से हमने पोहा और गुड़ को पीस करके इसका फिर से पाउडर बना लिया है, और गुड़ और पोहा एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं, गुड़ भी एकदम सॉफ्ट हो गया है, तो इसके लड्डू बनाने में हमें बहुत ईजी जाएंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं अलग पॉट में। रोस्टेड मखाने को भी हम मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए मखाने को पीस करके इसका हमने दरदरा सा पाउडर बना लिया है। अब बनाते हैं पोहे के लड्डू। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं पोहे के टेस्टी से लड्डू, जिसके लिए हमने ले लिया एक बड़ा सा बाउल। उसमें हम डाल देंगे हमारा जो पोहा और जो हमने गुड़ पिसा था उसका पाउडर इसमें डाल देंगे। देखिए गुड़ और पोहा को एक साथ पीसने से क्या होता है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है मिश्रण।
अब हम इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट और साथ इसमें डाल देंगे मखाने का पाउडर। और साथ इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और इन सारी सामग्री को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच घी। घी आप धीरे धीरे करके डालिएगा, जितना उसमें ज़रूरत हो उतना ही घी डालिएगा। तो घी को हमने मेल्ट कर लिया है और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें अगर हमें घी लगेगा तो हम इसमें घी और डालेंगे। फ्रेंड्स, आप इस लड्डू को आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। लगता ही नहीं कि इसमें पोहा डाला है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और झटपट बन जाते हैं और ज़्यादा झंझट नहीं है, बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। इसमें थोड़ा सा घी हम और डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें घी की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स को और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमने लड्डू के मिश्रण को अच्छे से सब मिक्स कर दिया है और ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। तो हम लेंगे छोटा सा थोड़ा सा इसमें मिश्रण और इसके दबाते हुए लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम अपने मन चाहे आकार के लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे सुपर टेस्टी, सुपर यमी और बिल्कुल झटपट बनने वाले और बहुत ही कम सामान से बनने वाले टेस्टी से पोहे के लड्डू। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। आप इसे बना सकते हैं स्वीट डिश में या फिर बना सकते हैं आप इसे प्रसाद के रूप में। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। अगले नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए।